तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द न्यू वीडियो तो जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स और जीके चलता है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं मे तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे अब बारी है जून 2021 की ठीक है फ्रेंड्स तो जून 2021 के जो 81 सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो करंट अफेयर्स और जीके के हैं वो मैं अपने लाया हूँ न्यूज वगैरह पूरा आ, रिसर्च करके जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगे और वही हम आज कवर करेंगे ठीक है सो करंट अफेयर जीके के अलॉन्ग विद रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी एक्सामिनेशन जहां पर भी जीके या करंट अफेयर्स आता है आइए शुरू करते हैं जो so, इंट्रोडक्शन है आप देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने वॉट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया जी डी पी एज पर प्रोविजनल नेशनल इनकम एस्टिमेट रिलीज बाय एन एसओ ने स्टेटिस्टिकल ऑफिस मतलब एनएसओ सो आंसर देख लीजिए बेसिकली 2020 और 21 वन फिजिकल की बात हो रही है और इस टाइम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है एंड द आंसर इज 7.3 परसेंट मतलब 7.3 परसेंट का कॉन्ट्रैक्शन ठीक है इंपॉर्टेंट डेटा ध्यान रखिएगा भाषण चार आइलैंड किस कंट्री में लोकेटेड है एंड द आंसर इज बांग्लादेश जो uh, रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं जिसमें से कईयों को बांग्लादेश ने uh, बांग्लादेश में रह रहे हैं वो लोग तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक आइलैंड रखा है जहां पे इनको रखा गया है रोहिंग्या जो रिफ्यूजीज हैं उसी आइलैंड का नाम है भाषणचार आइलैंड पर वहां पे रोहिंग्याज ने काफी प्रोटेस्ट किया है क्योंकि उनका मानना है कि वो फ्लड प्रोन है और फैसिलिटीज भी थोड़ी कमजोर हैं तो इस कारण से वहां पर काफी रोहिंग्या मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट किया है और भाषणचार एक आइलैंड है जहां पर इनको रखा गया है बांग्लादेश में ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन Uh, so, सारे फील्ड्स आपको मिक्सअप मिलेंगे इकोनॉमी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स काफी स्पोर्ट के भी हैं uh, सब कुछ विल सी ऑल थिंग्स ठीक है we'll उम्मीद थी तो उससे तो बेटर ही रहा किस आर नाइन पॉइंट टू परसेंट फिजिकल डेफिसिट इस फिजिकल में एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, नाइन पॉइंट टू परसेंट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए. कमांड जो इंडियन आर्मी की उसके कमांडिंग चीफ किससे बनाया गया है एंड लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह फोटो आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ठीक है चलिए एक अपॉइंटमेंट और देख लीजिएगा प्रदीप चंद्रन नायर जी जो है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर जी जो है उन्हें असाम राइफल्स का डीजी अपॉइंट करा गया है ठीक है क्लियर है तो ये दो चीजें पता रहेंगी तो सही रहेगा आइए चलते हैं रेस मसैकर जो 1921 में हुआ था इज असोसिएटेड विद विच कंट्री ये कौन सी कंट्री का मसैकर था ये जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था एंड आंसर इज यूएसए ठीक है ध्यान सुनिएगा यूएसए में एक जो ओकला ओकला हामा एरिया है जो प्रोविंस है उसमें तुलसा जगह है सो so, तुलसा इज अ नेम ऑफ अ प्लेस इन यूएसए जो ओकला हामा में है ठीक है वहां पर 1921 में जो अफ्रीकन अमेरिकन थे कई कई वेल टू डू भी थे उनमें से कईयों को मारा गया किल करा गया और उनकी प्रॉपर्टीज को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया ये था तुलसा रेस मसैकर रेशियल जो आ, एक तरह से लड़ाइया होती है वॉयलेंस होती है उसका एक काफी, मतलब, एक काफ़ी मतलब है ये न्यूज में क्यों आ रहा है वो भी देख लीजिए जो पहले ऐसे मतलब ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी इस इवेंट को अनफॉर्चुनेट मतलब एक तरह से एक्नॉलेज करने वाले पहले प्रेसिडेंट बने जिन्होंने ड्यूरिंग द टेन योर इस बात को एक्नॉलेज करा है कि हाँ वो इवेंट काफी अनफॉर्चुनेट इसलिए आर्टिकल्स भी काफी आए हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा तुलसा रेस मसैकर ईयर नाइनटीन तुलसा एक जगह है जहां पे इवेंट हुआ था और ओकलाहोमा यूएसए में इतनी जानकारी काफी रहेगी आगे चलते हैं विच स्टेट द नीति आयोग 2020 इंडेक्स बेस्ड ऑन स्टेट परफॉर्मेंस अक्रॉस 16 एस तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 16 गोल्स हैं ऐसे जिनको 2030 तक पूरा करना है तो उनकी प्रोग्रेस के बेसिस पर जो नीति आयोग ने एक पूरा रैंकिंग बनाई है उसमें नंबर वन पे कौन है एंड द आंसर इज केरला ठीक है बेसिकली हंड्रेड स्कोर मिलेगा उस कंट्री को जिन्होंने ये पूरे सिक्सटीन गोल्स पूरे कर लिए होंगे वैसे टाइम या जो डेड है वो ट्वेंटी थर्टी है केरला का स्कोर सेवेंटी फाइव था बेस्ड ऑन द रिलेटिव प्रोग्रेस ऑफ द गोल्स अचीव ठीक है तो नंबर वन पे केरला था 16 भी मुझे लगता है गोल्स एस डी सोलह है तो आपको पता होना चाहिए सो so, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्वेश्चन ही होते हैं बाकी ऑप्शन से बताता हूं आपको अगले सवाल पे चलते हैं एक बैट्समैन है डेवोन कॉनवे ठीक है exactly बैट्समैन है ही एग्जैक्टली इन टेस्ट मैच डेब्यू ठीक है बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है ये किस कंट्री के बैट्समैन है जून मतलब रिसेंटली हुआ है तो आपको पता होना चाहिए ही बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड के बैट्समैन है ही इज कोल्ड एग्जैक्टली टू हंड्रेड रन इन हिज टेस्ट मैच डेब्यू पहला जो मैच था अगेंस्ट इंग्लैंड और लॉर्ड्स जो ग्राउंड है वहां पर उन्होंने बनाए थे पता होना चाहिए फोटो आप देख सकते हो चलिए प्रोजेक्ट 75 फाइव आई किस फील्ड से जुड़ा हुआ है बहुत कॉमन है ये काफी न्यूज पेपर में आता रहता है रिलेटेड टू सब मरी होना चाहिए ठीक है चलिए सीबीएसई एज इंट्रोड्यूस्ड एक एक काफी पॉजिटिव इंटरवेंशन यहां पे सीबीएसई करने वाली है इट एज इंट्रोड्यूस्ड कोडिंग एंड डेटा साइंसेज एज अ स्किल मॉड्यूल इंट्रोड्यूस होने वाला है ठीक है करिकुलम में फ्रॉम दिस ईयर ओनली ये जो पूरा करिकुलम बनाया गया है जिसको सीबीएसई इंट्रोड्यूस करने वाली है कोडिंग एंड डेटा साइंसेस से रिलेटेड ये सीबीएसई ने किसके साथ कोलैबोरेशन में बनाया है एंड द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनसली डिजाइन एंड बिल्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप जो कि अब डी कमिशन हो चुकी है इंडियन नेवी के द्वारा एंड द आंसर इज INS एन ठीक है लगभग 40 ईयर्स तक सर्विस दी और विशाखापट्टनम में एक सेरेमनी में इसको डी कमीशन करा गया एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप थी इंडिजिनसली डिजाइन एंड बिल्ड INS एन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी फील्ड से आरबीआई हैज ओपन अ सेपरेट ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो टू हेल्प मिटिगेट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द सेकंड वेव ऑफ दैंडेमिक सर्टेन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि लिक्विडिटी का अमाउंट जो विंडो है ओपन करना है लिक्विडिटी विंडो इसमें लोड्स वगैरह बांटे जाएंगे उस सेक्टर को रिकवर करने में हेल्प मिलेगी जो सेकेंड वेव की वजह से काफी हैम्पर हुए थे अब बेसिकली कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर से यहां पर प्राइमरीली ये पूरी कहानी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए दी गई है हॉस्पिटैलिटी ये ध्यान रखिएगा ठीक है अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जैसे आ, ट्रैवल एजेंट्स ठीक है टूर ऑपरेटर्स कैब्स टैक्सीज उसके बाद एविएशन में कुछ एनसीलरी सर्विसेज होती है जैसे सप्लाई चेन और ग्राउंड सर्विसेज जो होती हैं उसके अलावा सेलॉन्स ब्यूटी पार्लर बहुत लंबी वैरायटी यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी ठीक है टूरिज्म की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी उन सब के लिए एक लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए यह चालू करा गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हु हैज लॉन्च न्यू डेटा बेस नेम्ड आई फैमिलिया टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन थ्रू फैमिली डीएनए एनहेंस सॉल्व द केस आंसर है इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से ग्रुप है इसका हेडक्वार्टर इसमें लगभग 194 कंट्रीज है और 1923 में बन गया था तो बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ये इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में लाइन सिटी उन्हीं का इनिशिएटिव है आई फैमिली इंडिया भी है इसमें आगे चलते हैं विच कंट्री हैज इनडेफिनेटली सस्पेंडेड ट्विटर फॉर डिलीटिंग अ ट्वीट ऑफ इट्स प्रेसिडेंट नाइजीरिया ने काम किया है उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बुहारी उन्होंने कुछ ट्वीट किया था विच वॉयलेटेड द रूल्स ऑफ ट्विटर तो ट्विटर ने उनके डिलीट कर दिया उनका ट्वीट तो फिर इन रिएक्शन नाइजीरिया ने ट्विटर को सस्पेंड कर दिया ट्विटर का इशू चल ही रहा है तो नाइजीरिया ने तो ले भी ले कि भाई सस्पेंड करोगे ठीक है खैर आगे क्या होते देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब रिलीज हुई है आपको ऑथर का नाम बताना है द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट अ डिप्लोमैट लुक बैक्स द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट डिप्लोमैट लुक्स बैक ठीक है ये बुक किसने ऑथर करी है एंड द आंसर इज विजय गोखले विजय गोखले इज द फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ठीक है किताब ये देख सकते हैं आप क्लियर टेनामेंट स्क्वायर और ये रहा द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट अ डिप्लोमेट लुक्स बैक आई शुड बी इनटू टू रीडिंग बहुत उतना रीड वीड ज्यादा नहीं किया है मतलब ऐसे बुक्स वगैरह बट uh, uh, ऐसी बुक्स जो रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स लिखते हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव ऑल्सो तो मौका मिले जरूर पड़ेगा मुझे मौका मिले तो पढ़ूंगा बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्वेश्चन के लिए भी और अपनी नॉलेज के लिए भी एंड ही इज मिस्टर विजय गोखले फॉर्मर फॉरन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट बुक है ये ठीक है विच स्टेट हैजॉप दी एजुकेशन मिनिस्ट्रीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ट्वेंटी और ट्वेंटी के लिए रिलीज हो चुकी है अभी एंड द नंबर वन परफॉर्मर वॉज पंजाब एक्चुअली इसमें ध्यान रखिएगा बहुत सारे फैक्टर्स को मिला के इंटीग्रेटेड ये इंडेक्स रैंकिंग बनती है जैसे कि इक्विटी कितनी है एजुकेशन फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बन रहा है क्या वहां के बच्चों में जो पढ़ रहे हैं क्या लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं क्या वो सीख रहे चीजें इन सब चीजों को असेस करते हुए इंटीग्रेटेड एक बनाते हैं उसमें नंबर वन पे इस बार पंजाब रहा सेकेंड पे तमिलनाडु थर्ड पर केरला पर फर्स्ट पे पंजाब रहा यहाँ पे ठीक है थीके? आई uh, थिंक तीनों का यहां पे 900 के ऊपर का स्कोर है ठीक एग्जैक्ट स्कोर की जरूरत नहीं है पर 900 के ऊपर तीनों का स्कोर है चलिए लेबर ये किस सब्जेक्ट की लिस्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है एंड द आंसर इज कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कि लेबर के ऊपर जो लॉज है वो स्टेट्स भी पास कर सकते हैं और यूनियन सेंटर भी पास कर सकता है ठीक है वैसे चार लेबर कोड्स जो है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट पास करना चाहता है जून की खबर है टू रैशनलाइज द लेबर लॉस ठीक है तो तो इसलिए ये टॉपिक भी आया था कि लिस्ट कौन सी बनती है और लिस्ट बनती है कॉन लिस्ट ठीक है स्टेट भी पास कर सकते हैं स्पोर्ट्स uh, की बील्ड का सवाल हु हैज वन द ग्रैंड प्री ट्वेंटी ट्वेंटी वन एक फ्रेंच वाली भी हुई थी उसका सवाल थोड़ा लेट कुछ सवालों बाद मिलेगा आपको अभी अजहरबाइजन फार्मूला वन रेसिंग या ग्राउंड प्री की बात हो रही है एंड द आंसर है सर्गीओ पेरेज पेरेस, फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है बहुत डिटेलिंग की जरूरत नहीं है बस अजरबाइजन फॉर्मूला वन था और विनर का नाम पता होना चाहिए आपको आगे चलते हैं श्रबनी नंदा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स एंड आंसर इज ये है द्स ठीक है देखिए फ्रेंड स्पोर्ट्स के सवाल को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोटो आप देख सकते हैं एक बात और ध्यान रखिएगा श्रबनी नंदा के बारे में दिस ईयर शी हैज बीन द फास्टेस्ट इंडियन एक्चुअली टोक्यो ओलंपिक से पहले यूएसए में जो फ्लोरिडा है वहां पे एक इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स मीट हुई थी uh, उसमें जो इवेंट हुआ था उसमें काफी अच्छे एथलीट्स आए थे इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था उस रेस में सौ मीटर वाली हंड्रेड मीटर्स में शी टू सिक्स पर इनका टाइमिंग था इलेवन पॉइंट थ्री सिक्स सेकेंड विच इज द फास्टेस्ट फॉर इंडियन दिस ईयर इस साल की फास्टेस्ट है ठीक है रैंक इनकी उस रेस में सिक्स आई थी तो अभी देखते हैं इस रिकॉर्ड से आगे कहानी कहाँ जाती है

प्राइवेट सेक्टर के लिए कितना प्रोक्योरमेंट ओपन रखा गया है That is the question and the answer is 25%. Uh, के के लिए और के लिए और की कीमत भी फिक्स रखी गई है। वो मैं आगे आपको। फिलहाल के लिए 25 ओपन रखा गया है। आगे चलते हैं एनसीपीसीआर के चेयरमैन का नाम बताना है। आपको नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड प्रियां कानून आप देख सकते हैं प्रियांक कानून एक बात ध्यान रखिएगा कोविड नाइन्टीन में जो अभी सेकेंड वेव काफी सीरियस आई थी इस कारण से अनफॉर्चुनेटली कई बच्चों ने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है वो ऑर्फन हो गए हैं पर ऐसे में एक चीज हो रही है कई एन और प्राइवेट सेक्टर के लोग एक सेल्फ इनिशिएटिव से कोशिश कर रहे हैं कि इनको अडॉप्ट कर लिया जाए ये प्रॉब्लम एनसीपीसीआर ने पॉइंट आउट करी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये गलत है एक गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है कारा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ये एक स्टेटूटरी बॉडी है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्हीं को अथॉरिटी होती है कि अडॉप्शन का प्रोसेस हो सके तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऑन दी प्रिकॉशन ये ये क्वेश्चन किसने बोला मतलब ये अलर्ट किसने दिया है एनसीपीसीआर ने कि यह सब हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गलत है बच्चे वैसे ही एक ट्रॉमा में है फॉर लूजिंग द पेरेंट्स उसके बाद ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए इंटेंशन जैसा भी हो अच्छा भी हो तो भी प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है ठीक है तो उन्होंने बोला है कि इस तरह से प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं कर सकता कि अडॉप्शन अडॉप्शन सिर्फ जो रूल डिफाइंड है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग जिसमें कारा के इंटरवेंशन और परमिशन के बिना कोई भी अडॉप्शन नहीं हो सकता तो इस तरह किसी भी प्रैक्टिस को विदाउट गवर्नमेंट प्रोसीजर नहीं होना चाहिए वो इलीगल होता है और वो मना है ठीक है सो ऑफिशियली कारा के थ्रू ही अडॉप्शन के काम हो सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो एनसीपीसीआर सुप्रीम कोर्ट कारा सबकी आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ट्वेंटी इंपॉर्टेंट बात है ठीक है चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अब्दुल्ला शाहिद हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यू एन जी एड नेशन जनरल असेंबली फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं वो मॉलडीवस के फॉरेन मिनिस्टर थे जब ये जीते थे इलेक्शन मॉलडीव के है फॉरेन मिनिस्टर ठीक है इन्होंने इन्होंने जिन, जिनको ये अब्दुल्ला शाहिद जी फोटो देख लीजिए इन्होंने जिनको हराया है ना दैट पर्सन वॉज फ्रॉम अफगानिस्तान अब इंडिया ने वोटिंग करी थी मॉलडीव के इनके लिए वोटिंग करी थी अफगानिस्तान ने भी इंडिया की हेल्प मांगी थी कि भाई आप हमारे कैंडिडेट के लिए वोट करिए पर इंडिया ने उस रिक्वेस्ट को डिनाई किया फॉर वेरी सिंपल रीजन दोनों कंट्रीज हमसे क्लोज है कि उन्होंने बोला कि हम मॉलडीव को पहले ही सपोर्ट अश्योर कर चुके हैं तो इसलिए आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो ऐसे कुछ उसमें इश्यू नहीं हुआ तो मॉलडीव के अभी अब्दुल्ला शाहिद जीत गए हैं प्रेसिडेंट रहेंगे यूएनजीए के फोटो देख सकते हैं चलिए हु अपॉइंटेड टू दोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन दूप चंद्र पांडे तीन मेन ऑफिशल्स होते हैं हेड होते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर जो दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनमें से एक में अपॉइंट करा गया है अनूप चंद्र पांडे जी को ठीक है ये फोटो आप देख सकते हैं यूपी के उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आई ऑफिसर और वहां के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं अब इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं अनूप चंद्र पांडे तो इनका नाम भी अब अपकमिंग न्यूज में काफी पढ़ने को मिलेगा आपको चलिए जब भी कोई इलेक्शन का न्यूज वगैरह होगी तो इनके नाम वगैरह आते हैं विच इज द हाइएस्ट रैंकड इंडियन यूनिवर्सिटी इन द क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग

आगे चलते हैं रैंगमा नागाज ठीक है दे आर डिमांडिंग एन ऑटोनॉमस काउंसिल किस स्टेट में डिमांड आ रही है एंड द आंसर इज असम वो लोग ये कह रहे हैं जैसे रेंगमा ये कह रहे हैं कि से कार्बी एंगलोंग जिनकी ऑटोनॉमस काउंसिल थी जिसको अब अपग्रेड करके टेरिटोरियल काउंसिल बना दिया गया है ऑटोनॉमस काउंसिल को टेरिटोरियल काउंसिल बना दिया गया है तो रेंगमा नागाज भी बोल रहे हैं कि भाई हमको भी एक यू नो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना के दीजिए डिमांड आसाम में आ रही है तो उन्होंने आसाम स्टेट गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री दोनों के लिए दोनों से अपील करी है रैंगमा नागा ठीक है चलिए ऑपरेशन पैंगिया 14 किससे जुड़ा हुआ है एंड द आंसर इज हेल्थ प्रोडक्ट ये ऑपरेशन पैंगिया इंटरपोल चलाता है इंडिया भी पार्टिसिपेंट है और ये पता लगाता है भाई जो मेडिसिन वगैरह है इंजेक्शन वगैरह हैं कहीं फेक तो नहीं है अनऑथोराइज तो नहीं है इस तरह की पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन पैंगिया है

क्या कहते हैं कि कीमत फिक्स कर दी गई है तो मैक्सिमम प्राइस कोविशील्ड के लिए कितना रखा गया है तीनों का बता दूंगा मैं आपको आ, पहले तो ध्यान रखिएगा पांच परसेंट वैक्सीन पर जीएसटी लगता है और सर्विस चार्ज की मार्जिन डेढ़ सौ मैक्सिमम रखी गई है मतलब कि प्राइस के ऊपर डेढ़ सौ रुपए हॉस्पिटल एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम ठीक है कम करना है जो तो अलग बात है पर डेढ़ सौ वन फिफ्टी अपर लगी, रखी गई है सर्विस चार्ज की अब देखिएगा जो मैक्सिमम प्राइस चार्जेबल उसके बाद निकल के आती है कोविशील्ड की आती है सेवन एटी रुपीज कोवैक्सीन की आती है यहां पे वन फोर वन जीरो वन थाउजेंड फोर हंड्रेड टेन रुपीज और स्पुटनिक फाइव जो है ठीक है उसकी आती है वन वन फोर फाइव यही तीन प्राइजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहले कोविशील्ड की सबसे ज्यादा है कोवैक्सीन की फिर स्पुटनिक फाइव की ठीक है चलिए ऑक््यूजेन इंक ये जो ऑक्जन कंपनी है ठीक है बेसिकली यहां पे काफी इंपोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन में मिलेंगे आपको अभी तो जो ऑक्सीजन कंपनी है इट इज द यूएस पार्टनर फॉर भारत बायोटेक्स कोविड नाइन वैक्सीन इट हैज अनाउंस्ड फिफ्टीन मिलियन डॉलर अप फ्रंट पेमेंट टू द इंडियन ड्रग मेकर फॉर एक्सटेंडिंग द वैक्सीन राइट टू विच कंट्री और ये जो पेमेंट हुआ है ये ऑक्सीजन ने करा है भारत बायोटेक को फॉर दीज राइट इन कैनेडा ठीक है वैसे यूएस पार्टनर है पर ये जो पेमेंट हो रहा है कैनेडा में फॉर एक्सटेंडिंग द वैक्सीन राइट क्लियर है बात फैक्चुअल सवाल है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच कंट्री इज द ब्रिक्स चेयर फॉर ट्वेंटी ग्रुप है बताइए आपको ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका इस बार चेयर इंडिया है एक बार ध्यान रखिएगा एक बार ये जो आर्टिकल हिंदू और बाकी पेपर्स में भी आया होगा बहुत इंटरेस्टिंग यहां पे डिप्लोमेसी होती है इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है वहां पे चाइना भी है चाइना लगातार जो कॉर्ड ग्रुप है ग्रुप उसका अपोज करता है क्योंकि उन, उनको लगता है कि कॉर्ड ग्रुप इज अगेंस्ट देर वो आपको याद होगा जो इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI जो बोलते हैं या फिर वन uh, बेल्ट मतलब एक सेकेंड बेल्ट एंड रोड इसी को लिख देता हूं मैं ठीक है या फिर वन रोड वन बेल्ट बोलते हैं मतलब वन रोड वन बेल्ट बोल लो आप या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोल दो उसके काउंटर में कॉर्ड ग्रुप बना और कॉर्ड ग्रुप में कौन आता है आप जानते हैं यूएसए आता है इंडिया आता है ऑस्ट्रेलिया आता है और जापान आता है इंडिया दोनों ग्रुप में ब्रिक्स में भी और इसमें भी है तो चाइना अक्सर इस ग्रुप को अपोज करता है अब इंडिया के लिए ना बहुत स्मार्ट डिप्लोमेसी कई बार दिखानी पड़ती है कि ब्रिक्स ग्रुप में रहते हुए जिसमें इंडिया भी है तो चाइना कॉर्ड ग्रुप को जिसमें दूसरे वाले में भी इंडिया है ठीक है तो इंडिया एक तरह से यहाँ पे चाइना के सपोर्ट में भी है पर जिस चीज़ का चाइना अपोज कर रहा है उसमें भी इंडिया है तो इस समय काफी बैलेंस डिप्लोमेसी दिखानी पड़ती है जो इंडिया दिखाता भी है ठीक है तो यही सब यू नो पर्सपेक्टिव डिस्कस थे उस आर्टिकल में जिनसे ठीक है मे बी सवाल इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं बन सकते बट एज अ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई वर्ल्ड मीटिंग्स में चल क्या रहा है आज की डेट में ठीक है और सब्जेक्टिव वगैरह में तो ये पॉइंट्स काफी काम आते हैं अगर ऐसे पॉइंट लिख दिया आपने तो बस बात बन गई यहाँ पे ठीक है चलिए आगे चलते हैं अच्छा पॉइंट लगा तो मैंने कहा शेयर कर दो के साथ विच इज इंडिया टॉप रैंक्ड वुमेन टेनिस प्लेयर एन आंसर इज अंकिता रायना जब ये जून में खबर पब्लिश हुई थी तब इनकी रैंक सिंगल्स uh, में शायद 183 थी और डबल्स में 95 फाइव हाइएस्ट रैंक है फोटो आप देख सकते हैं अंकिता रायना वन एटी सिंगल्स में रैंक और 95 डबल्स में ज द प्रेसिडेंट ऑफ आई ओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन दॉमस बैच लुसैन जगह जो है स्विटरलैंड में वहां पर हेडक्वार्टर है इसके और प्रेसिडेंट uh, है थॉमस बैच ये देख सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर यहां पर देखिएगा स्पोर्ट्स की फील्ड से uh, इस बार एक रेफ्यूजी टीम भी आई है टोक्यो ओलंपिक्स में द रेफ्यूजी टीम एट द टोक्यो ओलंपिक्स विल कंप्राइज ऑफ पीपल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अब क्योंकि जून की खबर मैंने लिखी है तो वहां पर फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा इस रिफ्यूज़ी टीम ने 29 प्लेयर्स थे रिफ्यूजी टीम पहली बार 2016 में आई थी रियो में जब ओलंपिक हुए थे और टोक्यो में भी ये टीम आई है ठीक है 29 नाइन मेंबर्स थे इसमें और 12 12 स्पोर्ट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया इनका फ्लैग ओलंपिक फ्लैग ही होगा अंडर द ओलंपिक फ्लैग दे परफॉर्म्ड ठीक है और सवाल यह कि इस रिफ्यूजी टीम में किस किस कंट्री के मेंबर्स थे तो ध्यान रखिएगा पांच कंट्रीज के मेंबर इसमें होते हैं तीन तो लिखी हुई है तो इस कंट्री इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा अब वो कंट्रीज कौन सी है एरिट्रिया ईरान अफगानिस्तान दो और है सीरिया और साउथ सूडान साउथ सूडान भी रिलेटिवली काफी नया देश बना था साउथ सूडान सीरिया एरिटरिया ईरान अफगानिस्तान ये पांच देश के जो आ, लोग हैं वो रेफ्यूजी टीम का पार्ट हुए थे इस बार टोक्यो में आगे चलते हैं पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है इंपॉर्टेंट है यहां पे कुछ वर्कर्स ने कुछ समय स्ट्राइक का बोला था फॉर नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस पर दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहां पे बन सकता है कि पाके टाइगर रिजर्व कहां पे है अरुणाचल प्रदेश आगे चलते हैं अद्दू ये अटोल किस कंट्री में एंड द आंसर इज डीव अटोल मतलब बेसिकली आईलैंड टाइप का है यहां पे इंडियन कॉन्सुलेट बनाने की बात चल रही है भाई चलो कैपिटल माले जो मॉलिव का है वहां पे तो है पर एक कॉन्सुलेट अड्डू में बनाने की बात चल रही है तो इंडियन कैबिनेट ने तो अप्रूव कर दिया है मोलडीव भी अब इस डिशन पर जो स्टेप लेगा पता चलेगा फिलहाल आई थिंक उन्होंने अप्रूव फाइनल नहीं हुआ है बट वो डिशन आ जाएगा तो कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस डिशन को भाई इससे टूरिज्म बढ़ेगा दोनों कंट्री में कॉपरेशन बढ़ेगा कुछ अपोजिशन भी चल रहा है कि भाई कि कहीं ये मिलिट्री इंटीग्रेशन का और मतलब ज़्यादा मिलिट्री एंगेजमेंट तो इससे नहीं हो रहा दोनों कंट्रीज के बीच में तो दोनों तरफ के ओपिनियन ओपिनियन से कर से पॉजिटिव क्या कहने की बात है कि पॉजिटिव है ये मॉलडीव में तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दीजिए मॉलडीव का है वो समझ एक बार। तो इंडिया का सदन पार्ट है ये श्रीलंका हो गया और यहां पे ये रहा मॉलडीव यहीं पे एक छोटा सा आइलैंड है अड्डू ठीक है चलिए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जेड एस आई जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एन दॉ ध्रृति बैनर्जी और जडेसआई का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में यह आप देख सकते हैं डॉक्टर ध्रृति बैनर्जी कैबिनेट हैज अप्रूव द अलॉटमेंट ऑफ फाइव मेगा हर्ट स्पेक्ट्रम इन द प्रीमियम सेवन मेगा हर्ट बैंड फॉर द रेलवेज आपको यह बताना है कि ये जो अलॉटमेंट करा गया है किस पर्पज के लिए करा गया एंड दंसर इज पब्बिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज तो रेलवे में पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए ऐसा करा गया है ताकि एक्सीडेंट्स बिल्कुल नहीं हो और डिलेज भी कम हो ट्रेन के उस से कैबिनेट ने पर बैंड का अप्रूवल करा है थर्टी सेवन बुद्ध देव दासगुप्ता किस फील्ड से एसोसिएटेड है आंसर इज सिनेमा बहुत फेमस डायरेक्टर थे मोर विद एक्सपायर्ड ठीक है और इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पे ले जाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम करे हैं कई फीचर फिल्म्स इन्होंने डायरेक्ट करी हैं इनकी पहली थी 19, 1978 में पहली फीचर फिल्म इनकी दूरत्व बाकी और भी बहुत लंबी लिस्ट है पर फर्स्ट का नाम पता होना चाहिए को दूरत्व 1978 सेवनटी एट बाय बुद्ध देव दास गुप्ता फोटो आप देख सकते हैं इनकी ठीक है अटलांटिक चार्टर इज अ डिक्लेरेशन साइंड बिटवीन यूएसए एंड कंट्री ब्रिटेन ठीक है सबसे पहली बार हुआ था 1941 में जब ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है विंस्टन चर्चिल और जो यूएसए के प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तो चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच में 1941 में साइन हुआ था अभी भी एक नया अटलांटिक चार्टर साइन होने की बात चल रही है किसके बीच में आप जानते हैं जो बिडेन और जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है ठीक है बोरिस जॉनसन तो बोरिस जॉनसन और जो बिडेन इनके बीच में बात चल रही है मीटिंग वगैरह भी हुई थी ठीक है पर ये बेसिकली किन दो कंट्रीज के बीच का चार्टर रहता है आपको पता होना चाहिए एशियन गेम्स से गोल्ड मेडलिस्ट डिंको सिंह किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं आंसर इज बॉक्सिंग अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं रहे हैं ही एक्सपायर्ड कैंसर था इन्हें लास्ट ईयर ये इन्हें कोविड हुआ था बट सक्सेसफुली बिल्कुल ठीक होके ही वन द बैटल अगेंस्ट कोविड बट अनफॉर्चुनेटली कैंसर की वजह से वी हैव लॉस्ट हिम 1998 में जो बैंकॉक में एशियन गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था बॉक्सिंग में एंड ही इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल स्पोर्ट्स पर्सन फोटो आप देख सकते हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन द शिक्षा ये एक स्कीम है एक्चुअली एक बात ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट एक ऑनलाइन मॉड्यूल रन कर रही है बेसिकली गवर्नमेंट का पर्पस पता है क्या है कि कोविड टाइम में लॉकडाउन वगैरह हुआ स्कूल्स वगैरह काफी समय बंद रहे मतलब क्लासरूम फॉर्मेट में ऑनलाइन में तो चालू रहे ऐसे में कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कूलिंग छूट गई है जो स्कूल के उस पूरे प्रोसीजर से बाहर ही आ चुके हैं स्पेशली सिक्स टू फोर्टीन एज ग्रुप में तो गवर्नमेंट अब उन्हें ट्रैक करना चाह रही है और ये चाह रही कि एजुकेशन ना छूटे उनकी वो दोबारा स्कूल में वापस आए ठीक है थीके? और इससे पूरी ट्रैकिंग में जो भी फंडिंग वगैरह होगी वो किस स्कीम से आएगी समग्र शिक्षा स्कीम से ठीक है वैसे इसमें और भी एलिमेंट स्कीम में पर ये स्पेसिफिक एलिमेंट जो ऑनलाइन मॉड्यूल का है फॉर ट्रेसिंग दो चिल्ड्रन उन्होंने मतलब उस लाइन में वापस लाना वो भी स्कीम का पार्ट रहेगा चलिए जीएसटी काउंसिल देखिए अब सेकेंड वेव की वजह से और प्रॉब्लम बढ़ गई थी तो उसमें इकोनॉमी uh, भी गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए इकोनॉमी इंप्रूव हो एजुकेशन फील्ड में भी काम चल रहे हैं तो इसका इंटरलिंकिंग जरूर करिएगा कि उस रिकवरी में मल्टी सेक्टोरल इंटरलिंक करते हुए दिमाग में लॉजिक बनाइएगा और इंटरकनेक्ट करते हुए आंसर लिखिएगा समझिएगा बेटर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी काउंसिल हैज वेव्ड द टैक्स लेविड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल ड्रग्स तो ऐसी दो मेडिसिनल ड्रग्स है जिनपे वेव ऑफ मतलब जीरो टैक्स पे आ गई है एक तो एम्फो तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा बी जो आप जानते हैं फंगस मेनली जो ब्लैक फंगस वगैरह था उसके लिए एक इंजेक्शन था बहुत जरूरत थी उस टाइम पे इसकी तो जब ब्लैक फंगस फैल रहा था अभी भी काफी यूज होता है जब भी ब्लैक फंगस हो जाता है एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एक तो ये और टोकिली जुमाब ये भी कोविड में काफी इस्तेमाल करी गई आ, मतलब मेडिसिन थी टोकली जुमाब इन दोनों को जीरो टैक्स पे ले आए हैं ठीक है और रेमडेसिविर कोविड में इस्तेमाल सुना होगा आपने और एंटी होता है ठीक है इन दोनों को पांच परसेंट पे रख दिया गया है ठीक है और इन दोनों को जीरो पे ले आया गया है तो ये बाकी तो और भी कुछ टैक्स चेंजेस करे गए हैं बट इतना पता रखो तो शायद मेरे हिसाब से काफी होना चाहिए बाकी पूरी लिस्ट आप देख लिया और देखने क्या हुआ चेंजेस हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट किससे जुड़ा हुआ है एंड द आंसर इज 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुई थी ध्यान रखिएगा राजनाथ सिंह जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्री उन्होंने अनाउंस करी है नई डी क्लासिफिकेशन पॉलिसी डी क्लासिफिकेशन का मतलब जानिएगा जो भी वॉर्स वगैरह होती है उनके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप उनको एकदम से पब्लिक नहीं कर सकते पर उन्हें ग्रेजुअली इकट्ठा करना आर्काइव बनाना यू नो एक साथ लाना स्टडी करना फिर डी क्लासीफाई करना कंपाइल करना बेसिकली ठीक है डी क्लासीफाई मतलब ओपन टू पब्लिक कर देना ठीक है तो एक नई डी पॉलिसी आई है जिसके अकॉर्डिंग जो भी जैसे वॉर वगैरह होती तो उसके 25 साल के अंदर 25 इयर्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स डी क्लासीफाई हो जाने चाहिए आर्काइव बनाइए कंपाइल करिए करिए ठीक है इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा uh, कुछ पुरानी वॉर्स मान लीजिए जो पच्चीस साल से भी पहले हो चुकी है उनके रिकॉर्ड्स रिकॉर्डर बींग एक्सपर्ट्स नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया को हैंड कर दिए जाएंगे पर एक और सवाल उठा था कि भाई जैसे हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट है उसी फिर आर्टिकल में इसका नाम आया था जो 1962 चाइना वॉर की है या फिर जो 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था तो उनका क्या होगा तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि जो जो स्पेसिफिक वॉर्स या ये ये हुए हुए थे आ, हुए थे केस बाय केस स्टडी करे जाएंगे और फिर डिसीजन लिया जाएगा ठीक है तो बेसिकली हमारे कंट्री में नई डी क्लासिज पॉलिसी की बात हो रही है 25 साल 25 फाइव इतना टारगेट बेसिकली रखा गया है और कुछ यहां पे केस बाय केस ये देखी जाएंगी इतनी जानकारी काफी रहेगी आगे चलते हैं ऑपरेशन ओलिविया किस फील्ड से है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ओलिवर रिडली टर्टल जो होते हैं हमारे ओलिवर रिडली टर्टल कहां होते हैं पता है आपको उड़ीसा की कोस्ट में ठीक है उनके प्रोटेक्शन के लिए 1980s के टाइम से चला रहे ऑपरेशन ओलिविया और इसको जो इंडियन कोस्टल गार्ड है वो चलाते हैं बहुत अच्छी तरह सिंसियरली यहां पे पेट्रोलिंग होती है ताकि उनको बचाया जा सके क्योंकि नवंबर दिसंबर के आसपास का ही उनका जो नेस्टिंग और ब्रीडिंग टाइम होता है तो उसमें उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई पोचिंग ना हो जाए उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले तो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही मेहनत करी जाती है यहाँ पे कोस्टल गार्ड्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाकी कई विभाग मिलके यहाँ पे इनकी रक्षा करते हैं आम लोग भी एन वगैरह मिलकर पूरा ठीक है चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे आया है जिसका नाम पता होना चाहिए आपको बी थ्री डब्ल्यू तीन बार बी मतलब बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ये किसका इनिशिएटिव है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी सेवन ग्रुप का यूके में पूरे सातों लीडर्स मिले थे जी सेवन में कौन कौन आता है? पहले आप देख लीजिए देखिए चाइना इसमें नहीं आता चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसे काउंटर करने के लिए जी सेवन इनिशिएटिव लिया है कि हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और अच्छे डेवलपमेंट के लिए जी सेवन में आता कौन कौन है वो देख लीजिए आप पहले दिस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा भाई इनमें से कौन सा नहीं आता या आता है तो आपको पता होना चाहिए देखिए कौन कौन आता है कॉन्टिनेंट वाइज याद कर लो तो काम अपने आप बन जाता है अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो वहां पे यूएसए आता है और कैनेडा अगर हम थोड़ा यूरोप की तरफ आ जाते हैं तो उसमें आएगा यूके ठीक है फ्रांस जर्मनी और इटली और अगर एशिया में आएंगे तो यहाँ पे एक कंट्री जापान मेंबर है इसका बस कॉन्टिनेंट वाइज याद कर कोई प्रॉब्लम खास कभी नहीं होगी आपको ठीक है तो टू ये चार मिला के सिक्स और सेवन ये है जी सेवन ग्रुप आप समझ ही सकते इट्स अ वेरी पावरफुल ग्रुप तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाकी और चीजों की भी काफी बात हुई थी पैंडेमिक को कैसे रोका जाए कैसे रिवाइवल करा जाए इकोनॉमीज का ग्लोबल लेवल पे पर यह बात भी हुई थी यहाँ पर ठीक है कंट्रीज का नाम आपके सामने सिस्टमेटिकली याद करिएगा फिर दोबारा कभी भी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जल्दबाजी में सिर्फ नाम पढ़ लोगे तो माइंड से ठीक से मैपिंग नहीं हो पाएगी और बार बार कंफ्यूज होते रहोगे आप और फिर आप बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लोगे पर बेसिक्स आया सवाल एग्जाम में गलत कर सकते हो जो नहीं होना चाहिए ठीक है विच वुमेन हैज वन द फ्रेंच ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इसको रोलैंड गैरोज भी बोलते हैं इस टूर्नामेंट को और दोनों के नाम बता दूंगा मैं आपको वुमेन कैटेगरी में जीती है बैरबोरा क्रेथसिकोवा चेको की है फोटो आप देख सकते हैं ठीक है और मेन कैटेगरी में, में नोवैक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं वो जीते हैं तो दोनों कैटेगरी के नाम पता होना चाहिए आपको ठीक आगे चलते हैं फेम स्कीम किससे जुड़ी हुई शायद सवाल पिछले कुछ महीनों में पूछा था बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस स्कीम का टू सेकेंड पार्ट भी लॉन्च हो चुका है फेम टू जिसको बोलते हैं और खबर यहां पे ये है कि फेम ठीक है तो गवर्नमेंट पूरे इंकरेज करना चाह रही है यहां पे, पर बिल्कुल बेसिक्स तो तो की स्कीम किसके बारे में है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पता होना खबर भी बता दिया आपको खबर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल तो अब लीडरशिप चेंज हुई है अब है नए नए प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर पता नहीं प्रेसिडेंट तो ना बोल दिया मैंने प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे बात हुई है नफ्ताली बेनेट फोटो देख लीजिए अब नफ्ताली बेनेट और वहां के पार्लियामेंट को नेसेट बोलते हैं ये भी ध्यान रखिएगा इसराइल ठीक है तो काफी समय से बेंजामिन नेतन्याहू थे नाउ देर इज अ चेंज ऑफ लीडरशिप नए प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेटअप वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड ये डिसन लिया है राजस्थान में पर्पस क्या है जो हमारे एंशियंट संस्कृत स्क्रिप्चर्स हैं उन्हें रिवाइव करना और जो वैदिक नॉलेज है उसे इंटीग्रेट करना किससे साइंस और योगा से इन सब पर्पस के लिए बना है वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड राजस्थान में नेम ऑफ द स्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगले सवाल पे चलते हैं हाउ मेनी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड देखिए एक स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एक स्वीडिश थिंक टैंक है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एक एनुअल रिपोर्ट निकालता है कि भाई कंट्रीज में क्या क्या हुआ इन द सेंस कहां पे आर्म्स बड़े हैं कौन आर्म इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है कौन एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है आर्म्स का नंबर बड़ा है घटा है उस तरह के ट्रेंड को एनालाइज करता है तो उस रिपोर्ट में देखा गया कि जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स है वो बढ़ रहे हैं इंडिया के पास बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के पास बढ़ रहे हैं चाइना के पास बढ़ रहे हैं तो कोल्ड वॉर के बाद जो न्यूक्लियर आर्म्स का कम होने का ट्रेंड था वह उल्टा होने लगा इज़ नॉट अ गुड थिंग क्योंकि नहीं बढ़ने चाहिए ठीक है तो ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन इस रिपोर्ट में है उसी में एक फैक्ट ये निकल के आया कि हमारे दुनिया में कितने न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है इन को भी याद कर लो भाई न्यूक्लियर पावर की बहुत बातें करते हो आप है ना तो आपको पता होना चाहिए किन कंट्रीज के पास है, इसको भी कॉन्टिनेंट वाइज देख लेते हैं तो यहां पे नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ यूएस है ठीक है फिर अगर हम यूरोप की बात करें तो यहां पे यूके होगा और फ्रांस दो कंट्रीज है सिर्फ यहां पे जर्मनी वगैरह नहीं आएगा यूके और फ्रांस आ, बाकी रशिया भी है ठीक चाइना इंडिया पाकिस्तान इजराइल हो गया और नॉर्थ कोरिया ठीक है तो यूएस यूके फ्रांस रशिया चाइना इंडिया पाकिस्तान इसराइल नॉर्थ कोरिया मिला के नौ कंट्रीज यहां पे बनती नौ बन गए ना हाँ ठीक है तो दीज आर द न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, पता होना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ए वाई डॉट वन ये क्या है ये कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है ठीक है अब आप जानते हैं कि नाम दिए जा रहे हैं कोड्स दिए जा रहे हैं कंट्री के नाम से डब्ल्यू ने बोला है कि भाई कंट्री के नाम से मत जोड़िए उस चीज को भाई ब्राजील वेरिएंट साउथ अफ्रीका वेरिएंट इटली वेरिएंट इंडियन वेरिएंट ये नहीं चलेगा उनके नाम है उसका इस्तेमाल करिए ताकि कोई कंट्री बेवजह डिफेम ना हो इन कारणों से ठीक है तो ये करोना वायरस का वेरियंट है आपने सुना है डेल्टा प्लस ये उसी का नाम है ए वाई डॉट वन डेल्टा प्लस अब तो इसको वेरियंट ऑफ कंसर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है तो केसेस वगैरह भी भाई कम हो या ज्यादा हो बी सेफ सेफ्टी रखिए मास्क इस्तेमाल करिए कैजुअल कभी मत हो मेरे तो सेशन रहेगा क्योंकि तो बीमारी गई तो बिल्कुल नहीं है हैव तो टू बी वेरी केयरफुल ठीक है तो सोशल डिस्टेंसिंग वॉशिंग द हैंड्स मास्क इन सबका इस्तेमाल बहुत बहुत जरूरी है ठीक है तो ए वाई डॉट वन डेल्टा प्लस का नाम है ये और आप जानते हैं इट्स अ कोरोना वायरस चलिए चाना इज अ पॉलीगैमस क्रिश्चियन सेक्ट बिलोंगिंग टू विच स्टेट ये मिजोरम का बेसिकली एक पॉलीगैमस क्रिश्चियन सेक्ट है इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली भी आ, माना जाता है और इसके जो आ, लीडर है वो अब नहीं रहे जियोना चाना इनका नाम था आइजोल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अब इनकी डेथ हो गई है तो ये नहीं रहे और इनकी फैमिली ने भी अब एक्नॉलेज कर दी कि उनकी डेथ हो गई है तो लास्ट राइट परफॉर्म कर दिया जाएंगे तो वर्ल्ड की बिगेस्ट फैमिली माना जाता है और एक तरह का पॉलीगेमस क्रिश्चियन सेक्ट है ग्रुप है ओरिजिन मतलब कहा है मिजोरम में पता होना चाहिए ठीक है चलिए बहुत फैक्ट्स इसमें डिटेलिंग नहीं पूछेगा बट इतने फैक्ट्स पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से विच बैंक विल बी द लीड स्पॉन्सर ऑफ एन ए आर सी एल मतलब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो हम बोलते हैं ना बैड बैंक

एक्चुअल नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ये तो कॉन्सेप्ट हो गया इसका लीड स्पॉन्सर 12 परसेंट स्टेक के साथ होगी कैनरा बैंक दिस फैक्चुअल पार्ट इज बैंको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलिए मतलब वगैरह पूरा एक्वायर करके करके कंट्रोल बेटर फाइनेंशियल पोजिशन पे आना अगला सवाल कैबिनेट हैज अप्रूव द डीप ओशियन मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री बतानी है आपको स्कीम्स और मिशन की नोडल मिनिस्ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द आंसर इज बी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ इसकी मिनिस्ट्री होगी इसमें बहुत सारी चीजें रखी गई हैं जैसे कि एक इसमें आउट ऑफ द वेरियस एक इंटीग्रेटेड माइनिंग यहां पे एक प्लान बनेगा उसके अलावा एक सबमर्सिबल व्हीकल बनाने का भी प्लान है जो 6000 थाउजेंड मीटर्स तक अंदर जाएगी ताकि क्रू जो है उसका वो बिल्कुल ओशन बेड वगैरह पे इस तरह के जो यू नो जैसे मिनरल्स को सर्च कर पाए ये बात इंपॉर्टेंट बात है कि छह हजार मीटर नीचे तक जाने वाला एक सबमर्सेबल व्हीकल बनाने की बात ताकि क्रू बिल्कुल फिर ओशन बेड वगैरह पे या अंडरग्राउंड मिनरल की सर्च कर पाए वहां पर और भी काफी चीजें हैं बट मेन ये वाली चीज काफी आ, प्रोमिनेंस में पेपर्स में लिखी थी बाकी इस स्कीम के और भी पार्ट हो गए इंटीग्रेटेड माइनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट बनाना प्लान बनाना ठीक है द नोडल मिनिस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज छह हजार मीटर ध्यान रखिएगा काफी बड़ी डेप्थ होती है फिफ्टी फोर ठीक है तो बहुत ही मतलब इन्वेस्टमेंट भी जाएगा उसको बनाने में बट टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस चीज होगी इंडिया हैवरेज इन श्रीलंका यह अग्रीमेंट श्रीलंका के साथ हुआ है ठीक है तो ये लोन एक्सिम बैंक जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वो देगी और पर्पज इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्पेसिफिक लोन है ये सोलर पावर कवरेज के लिए तो बायलैटरल रिलेशन में भी इंडिया श्रीलंका में इस चीज को आप कोट कर सकते हैं यहीं से आंसर बिल्कुल निखर के आ जाएगा कि भाई हाँ आपको फैक्ट्स पता है एंड इट विल बे वेरी गुड इम्पैक्ट और फैक्चुअल सवाल आ गया ऑब्जेक्टिव तो तो पता ही है आपको आगे चलते हैं नेम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू वैक्सीनेट ऑल इट्स पीपल विद द फर्स्ट डोज अगेंस्ट कोविड नाइनटीन ऑब्वियसली एटीन प्लस वालों की यहाँ पे बात हो रही है विद द फर्स्ट डोज एंड द आंसर इज वी आन बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर में वहां पर ही विलेज

जहां पे जो फ्रीडम मतलब आप जानते हैं ना कि एंटी चाइना स्ट्रगल वहां पे काफी चलती है ठीक है वहां की सरकार तो चाइना की पपेट गवर्नमेंट है मोनी की बातें मानती है वहां पे पर कई प्रो फ्रीडम प्रोटेस्ट होते हैं उसी को सपोर्ट करता हुआ यह पेपर था एप्पल डेली और उसी कारण से कुछ केस वगैरह लगा के इसकी लीडरशिप काफी सीनियर एडिटर्स को गिरफ्तार कर लिया सरकार ने ठीक है टू डीमोटिवेट देम उस कारण से काफी प्रॉपर्टी फ्रीज कर ली तो पेपर को भी अब ऐसे में तो पेपर रन नहीं हो सकता ना तो उन्होंने अपने कुछ लास्ट एडिशन छापे उन्होंने बोला कि नाउ वी कांट रन लाइक दिस इस तरह से गवर्नमेंट ऐसा सब कर रही है प्रॉपर्टी फ्रीज हो रही है रिटर्न अरेस्ट हो रहे हैं तो हम रन नहीं कर सकते तो जो कुछ आखिरी एडिशन्स निकाले थे उनका सेल इतना ज्यादा हुआ ना कि मतलब बहुत जनता ने रिस्पॉन्स दिया क्योंकि भाई जनता तो लगातार फाइट कर रही है अगेंस्ट द चाइना कि भाई हांगकॉन्ग को आप इस तरह से मतलब सप्रेस नहीं कर सकते तो जनता ने एज दैट सपोर्ट इसके आखिरी एडिशन को काफी अच्छी अमाउंट में खरीदा भी था बहुत सेल हुई थी बट अनफॉर्चुनेटली अब यह पेपर का पब्लिशिंग मतलब पब्लिशिंग पूरी तरह से बंद हो गई है हांगकॉन्ग का पेपर था एप्पल डेली काफी नाम आया था ऑलमोस्ट डेली न्यूज पेपर में चलता था उस टाइम पर जून की बात हो रही ठीक है चले लेट कम टू इकोनॉमी एन बैंकिंग फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग माइट टेक ओवर द पी एम सी बैंक जो काफी डेट रिटर्न है पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक को कौन टेक ओवर करने की बात चल रही है द आंसर इज सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और भारत पे मिलके इसको खरीदे मतलब टेक ओवर करेंगे ठीक है तो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और भारत पे मिलके एज अ प्रोसेस टुवर्ड्स दिस गोल ऑफ टेकिंग ओवर आरबीआई ने सेंट्रम को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का अप्रूवल दे दिया है ठीक है ये उसी दिशा में चीज जा रही है टेक ओवर की दिशा में तो उससे पहले स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का अप्रूवल होना चाहिए परमिशन या लाइसेंस होना चाहिए वो सेंट्रम को आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है अब आगे प्रोसेस क्या होता है विल फॉलो अप ठीक है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट किस दिन होता है पता होना चाहिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट सेवेंटीन जून इंपॉर्टेंट डे है पता होना चाहिए वैसे तो दिन बहुत सारे होते हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से मीटिंग ऑफ एससीओ एससीओ की मीटिंग दुशानबे में होने वाली थी क्योंकि जून की बात है अब हो गई होगी दुशानबे कहां है ये आपको बताना है ताजिकिस्तान का कैपिटल है एक बार ध्यान रखिएगा व्हाट इज एस सी भी एक तरह का ग्रुप होता है ठीक है फ्रेंड्स एक बार ध्यान रखिएगा जब भी आप ग्रुप्स पढ़ते हैं ब्रिक्स जी सेवन ठीक है यार फॉर्मेशन याद करो हेडकोर्टर याद करो मेंबर्स का नाम याद करो पर कॉन्सेप्ट समझो कि वो कौन से एरिया को डील कर रहा है वो ठीक है तो एस बेसिकली किसके लिए है इसमें कौन कौन है बेसिकली इसमें जो मेंबर्स हैं एट मेंबर्स है बाकी ऑब्जर्वर कंट्रीज और वो सब अलग कर देते हैं पर मेन मेंबर्स एट हैं इसके चाइना हो गया इंडिया हो गया पाकिस्तान हो गया बेसिकली साउथ एशिया की भी दो कंट्री यहां पे है और सेंट्रल एशिया की भी कुछ कंट्रीज यहां पर और यहां पे रशिया भी है ठीक है तो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट एशियन ग्रुप आप इसे कह है सकते हैं सेंट्रल एशिया भी इसमें पार्टिसिपेंट है वो काफी जरूरी चीज होती है ये चार कंट्रीज हो गई उसके बाद कजाकिस्तान किर्गिस्तान ये के वाली दो कंट्रीज आ गई ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान अब वो याद कैसे करते हैं इंडिया पाकिस्तान है याद हो गया चाइना अब शांघाई को ऑपरेशन शांघाई नाम आया तो चाइना हो गई रशिया ठीक है ये चार तो हो गए ये एक ही लाइन पे लाइक है करते हैं सारे सेंट्रल एशियन वाली कंट्रीज एस की याद नहीं होती तो सिंपल क्योंकि देखो और भी तो तुर्क तुर्कमेनिस्तान ये सब नाम भी कहीं पर कंफ्यूज कर देते हैं आपको सिंपल के वाली दोनों कंट्रीज है सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ताजिकिस्तान और यूसुजान बस ये चार और वो चार मिला के आठ हो गए बस ऐसे सिंपल मैपिंग से याद कर लो काम बन जाएगा ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशानबे जहां पर इस बार की मीटिंग हुई थी हो गया यार ठीक है बाकी यू नो डिस्कशन ग्रुप ऑब्जर्वर कंट्रीज बाकी और भी हैं बट मेन आठ कंट्रीज मेन मेंबर्स ये है आगे चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर की जो डिलिमिटेशन कमीशन है ठीक है फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर उसे कौन हेड कर रहा है रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई तो वहां पे जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन के लिए बनेंगी, उसकी जो बाउंड्री सेटअप करने वाला काम है वो डिलिमिटेशन कमीशन करता है इसलिए वहां के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स उन सबको भी लेटर कमीशन ने भेज दिए हैं कि भाई वहां की टोपोग्राफी पॉपुलेशन सब चीजों की जानकारी दीजिए ताकि इन सब के बेसिस पर ये कॉन्स्टिट्य मार्क करी जा सके तभी इलेक्शन हो पाएंगे ठीक है तो अभी जैसे गुप्कर से काफी मेंबर्स वो सब मोदी जी से मिलने भी आए थे यहां पे अमित शाह जी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी और जम्मू कश्मीर के लीडर्स उन सबकी मीटिंग भी हुई थी कईयों की डिमांड है कि इसको स्टेट बनाया जाए वापस से इलेक्शन करवाया जाए तो पूरी कहानी ये है कि भाई इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन जरूरी है

माधव टेम्पल कहां पर है आंसर इज आसाम ध्यान सुनिएगा एक 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 टर्टल होता है जिसका नाम है आ, ब्लैक पहले फ्रेश वाटर आता है फ्रेश वाटर एक टर्टल होता है फ्रेश वाटर ठीक है ब्लैक है ये सॉफ्ट टर्टल ठीक है क्लियर बात तो बेसिकली एक टर्टल है इसके कंजर्वेशन के लिए एक अग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें इस टेंपल ने साइन किया किसके साथ दो एनजीओ है ठीक है उसके बाद ये टेंपल कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में कामरूप का एडमिनिस्ट्रेशन भी है जिसके साथ साइन करा गया है ठीक है और उसके साथ साथ जो असम का Botanical Garden ये जू है वो भी। तो तो ये सब उस में। तो एक है। किसका ये जो में, बोटेनिकल गार्डन है वो किसके कंजर्वेशन के लिए इस टर्टल के लिए फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल ठीक है और टेम्पल का फोटो आप यहां पे देख सकते हैं चलिए है। आगे चलते हैं अजहरबाईजान की ग्रांड प्री बताया था मैंने आपको अब आ गया है फ्रेंच फॉर्मूला वन ग्रैंड ट्वेंटी 2021 किसने जीता था एंड द आंसर इज मैक्स वर्स्ट फोटो आप यहां पे देख सकते हैं मैक्स वर्स्टिन फ्रेंच फॉर्मूला वन ग्रॉन्डप्री ट्वेंटी 2021 और कुछ नहीं बट बट नाम आपको पता होना चाहिए स्पोर्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इतना पता होना चाहिए काफी रहेगा आगे चलते हैं राष्ट्र मंच इज अ फ्रंट फाउंडेड बाय मिस्टर यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं बीजेपी में थे 2018 तक वो छोड़ दिया अब तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है उसके मेंबर हैं ये तो बेसिकली इन्होंने एक फ्रंट रखा था नेशनल डिस्कशंस के लिए ठीक है शरद पवार जी जो है उनके डेली रेजिडेंस पे रखा गया था आ, काफी अपोजिशन लीडर्स को इन्विटेशन दिया गया था पर कई आए पर कई कई, कई ने कई नहीं भी आए यहाँ पे ठीक है तो बेसिकली इलेक्शन से पहले जो एक बात हो रही है कि एक यूनाइटेड ग्रुप बनाना अगेंस्ट मोदी जी वो वो भी उस तरह के फ्रंट का यहां पे कोशिश करी जा रही है और कि अपोजिशन लीडर्स यूनाइट हुए ऐसी कोशिश काफी लोग करते रहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो उसमें एक प्रॉपर नाम यहाँ पे चला है फाउंडेड बाई यशवंत सिन्हा तो इट इज वेरी क्योंकि बहुत प्रोमिनेट और इंपॉर्टेंट लीडर ने इसे इस फाउंड किया ठीक है चलिए फोटो आप देख सकते हैं मिस्टर यशवंत सिन्हा भारतीय एयरटेल इज अ दैटेजिक पार्टनरशिप विथ विच कंट्री कंपनी हो गई ठीक है फॉर इंप्लीमेंटिंग फाइव जी नेटवर्क सोल्यूशन इन इंडिया टाटा ग्रुप ठीक है तो भारतीय एयरटेल ने टाटा ग्रुप के साथ यहां पर कोलेब्रेशन uh, किया है फाइव जी को रोल आउट करने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क सोल्यूशन के लिए ठीक है आगे चलते हैं uh, इसमें न्यूज में, uh, news में uh, ऐसे ग्रुप्स uh, जो मैंने बताया था विदिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Uh, पर इसमें कौन आया कौन नहीं है वो आप पढ़ सकते हैं बट फाउंडर का नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इतना ध्यान है, Hubbard, ये है Games, जो में हुए थे. किस कंट्री के आपको बताना है लॉरेल हर्बर्ड एन द आंसर इज न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के प्लेयर लॉरेल हर्बर्ट फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू कंपीट एट एन ओलंपिक गेम्स फोटो आप सकते हैं ठीक है चलिए

रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि केरला में वहां पर बनाया गया है वेरी मच सूटेड फॉर दंडीशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और तो इसी कारण से जो पहला जीएम प्लांट जो प्लांट करा गया है वह आसाम में कराया गया ठीक है थीके? तो आ, रिसर्च और बनाया है, इसको केरला में गया था बट प्लांट करा गया आसाम में गुवाहाटी का आउटस्कर्ट में बट इसको प्लांट करा गया चलिए एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई ने अप्रूव किया है रेजोल्यूशन प्लान जेट एयरवेज का ठीक है अब सवाल यह है कि ये रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव करा है एनसीएलटी ने वो किसने दिया है मतलब हु इज टेकिंग दिस इनिशिएटिव जिसको एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है टू रिवाइव जेट एयरवेज एंड द आंसर इज डी मतलब मुरारीलाल जलान और कैलरोक कैपिटल ये कंपनी और जो बिजनेसमैन है मुरारीलाल जलान दोनों ही आंसर हो जाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को एनसीएलटी ने बोला है कि 90 डेज के अंदर आप इनको स्लॉट्स दीजिए जेट एयरवेज को ठीक है तो बेसिकली जेट एयरवेज को रिवाइव करने की कोशिश काफी अच्छी तरह करी जा रही है एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया है कौन रिवाइव करेगा मुरारी लाल जलान एंड कैलरॉक कैपिटल मिलकर आगे चलते हैं इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट कब करते हैं ट्वेंटी फर्स्ट में इज जानते हैं पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था कौन जीता न्यूजीलैंड इंडिया को हराया था इंडिया हार गई थी तो न्यूजीलैंड हैज वन द फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हु द फाउंडर ऑफ फर्स्ट सिख राज एंड द आंसर इज बाबा बंदा सिंह बहादुर ठीक है एक्चुअली एक वॉर थी 1710 में छप्पर में छप्परचीर की बैटल बोलते हैं वॉर बोलते हैं छप्परचीर छप्परचीरी की जो वॉर थी या बैटल इसमें एक तरफ सिख आर्मी थी ठीक है दूसरी तरफ सिख आर्मी वॉज हेडेड बाय बाबा बंदा सिंह बहादुर दूसरी तरफ वजीर खान जो कि मतलब जो सिरहिंद एरिया थे वहां का फौजदार जो इंपीरियल फौजदार था वो था इस लड़ाई में सिख आर्मी डिफीटेड द मुगल आर्मी और वजीर खान मारा गया और सिरहिंद एरिया ऑक्यूपाई करा सिख आर्मी ने अंडर बाबा बंदा सिंह बहादुर और वहां फाउंड हुआ पहला सिख राज ग्रेट वॉरियर बाबा बंदा सिंह बहादुर और तीन सौ पांचवी मार्टिरडम एनिवर्सरी इनकी अभी जून में हुई थी ठीक है तो थ्री हंड्रेड एंड फिफ्थ मार्टियर जो शहीद शहीदी दिवस की तरह मनाते हैं बाबा बंदा सिंह मार्टियर डर मार्टियर एनिवर्सरी तीन सौ पांच भी बाबा बंदा सिंह बहादुर की बाकी जो पूरा हिस्टोरिकल पॉइंट तो बता दिए मैंने आपको और छप्पर चिरी वॉर इसको बोलते हैं सेवनटीन टेन की एरिया था सिरहद वजीर खान को हराया था मार देता फिर उसको नेक्स्ट क्वेश्चन बस खत्म होने वाले 81 तक है नेम द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर बींगार्ड एंड आंसर इज विक्रांत ये नाम रखा जाएगा ठीक है सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड ऑक्सीजन ऑडिट टीम कौन हेड कर रहा था एम्स डेली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑक्सीजन ऑडिट टीम बनाई थी इसी टीम ने बोला था कि जब सेकेंड वेव का पीक था तो डेली गवर्नमेंट ने जो अपनी ऑक्सीजन डिमांड को काफी बढ़ा दी मतलब ऑलमोस्ट फोर टाइम्स इन्फ्लेट करके बताया था ठीक है बट उन्होंने एक और पक्ष बोला कि जो बाकी स्टेट से दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी उसमें मतलब देर थोड़ी इनकंसिस्टेंसी थी थी तो तो ये प्रॉब्लम दिल्ली गवर्नमेंट को आ रही थी। तो प्लस भी बोला माइनस भी दोनों बातें मतलब बोली गई है यहां पे तो टीम को हेड कर रहे थे रणदीप गुलेरिया जी फोटो आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विल बी ओपन थ्रू आउट द ईयर फॉर टूरिज्म आप जानते हैं टाइगर रिजर्व मानसून के टाइम पे बंद रहती है क्योंकि वो जानवरों का एक तरह से ब्रीडिंग टाइम होता है आ, आंसर है इसका कॉर्बेट एक्चुअली दो नेशनल पार्क उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व इन दोनों के लिए डिसीजन लिया है पर कई एनवायरमेंटलिस्ट ने इसको अपोज किया है कि भाई वो आप दिस इज लाइक अ क्रुएलिटी टू एनिमल ऐसा कई एनवायरमेंटलिस्ट ने बोला है तो उन्होंने गवर्नमेंट के डिसीजन को अपोज किया स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने अपील करके ऐसा मत करिए मानसून के टाइम जब

फुकोका ग्रैंड प्राइज 2021 सुनिएगा ध्यान से फुकोका प्राइज इन तीनों ने जीता है अब उसमें जो ग्रैंड प्राइज वाली कैटेगरी है वो जीता है पी साइना फोटो तो देख सकते हैं आप इंडियन जर्नलिस्ट हैं पी साइना ग्रैंड प्राइज वाला ठीक है फिर जो एकेडमिक वाला इसका कैटेगरी होती है इस फुकोका प्राइस की वो जीता है किशिमोतो मियो जो जापान से हैं और जो इसकी आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर वाली कैटेगरी है वो जीता है प्रदबा यून ने जो कि डायरेक्टर है थाईलैंड की तो ये तीन लोगों ने जीता है पर इस क्वेश्चन का आंसर पी साइनत अगर सिर्फ ग्रैंड प्राइज पूछ रहा तो है तो आंसर पी साइनत हो जाएगा वैसे मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के हैं इन्होंने ग्रामीण बैंक बनाई थी उनको भी ये प्राइज पहले मिल चुका है फेमस हिस्टोरियन आ, ये अपनी रोमिला थापर जी उनको भी मिल चुका है फिर उस्ताद अमजद अली खान जो सरोद माइस्ट्रो माइस्ट्रो हैं सरोद वादक वादक उनको भी मिल चुका है ठीक है बहुत अच्छा सरोद बजाते थे उनको भी मिल चुका है टोटल मिला के ग्यारह इंडियंस को मिल चुका है ये प्राइस ठीक है दैट इज द काउंट फैक्चुअल पार्ट बट इस बार मिला है, है मिस्टर पी साइनाथ को तो रोमिला थापर जी का नाम मैंने पेपर में पढ़ा था फिर सरोद माइस्ट्रो अमजद अली खान और बांग्लादेश से भी बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस जो मेरा बताया आपको ग्रामीण बैंक के फाउंडर ये तो पी साइनाथ जी का फोटो है Uh, बस दो तीन सवाल और विच इज द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम एंड द आंसर इज बाय डैम एक जिन्शा रिवर है जिन्शा रिवर चाइना में जो यांगजे रिवर है ना यांगजे रिवर ये उसी की ट्रिब्यूटरी है और इस पे बना है बाय हेतन डैम वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है इसकी दो यूनिट्स ऑन कर दी गई है जून की खबर है ठीक है बिगेस्ट की बात करो तो वो भी चाइना में है जो ए ऑप्शन लेकर है थ्री दीपिका कुमारी किसोर्ट से जुड़ी हुई है is, आप देख सकते हैं। अभी जो पेरिस में वर्ल्ड कप स्टेज थ्री टूर्नामेंट उन्होंने तीन गोल्ड जीते थे और रिकर्व विमेन इंडिविजुअल रैंकिंग में भी नंबर वन पे आ चुकी है फील्ड पता होना चाहिए आपको आर्चरी पिका कुमारी लास्ट क्वेश्चन डीजी सॉरी डीसीजीआई ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया हैज गिवन जो भी वैक्सीन अप्रूवल वो डीसीजीआई देता है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया हैज गिवेन अप्रूवल टू तो विच फार्मा कंपनी टू तो इंपोर्ट मॉडर्नाज कोविड नाइनटीन वैक्सीन एंड द आंसर इज सिप्ला तो मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो इंपोर्ट करने का जो अप्रूवल है वो सिप्ला को मिल चुका है तो इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन में जो यूज होती है वैक्सीन उसमें अब ये चौथी वैक्सीन बन गई है जिसको अप्रूवल मिला है आप बाकी जानते हैं कोवैक्सीन कोविशील्ड स्पुतनिक और अब ये वाली ठीक है फ्रेंड्स तो ये थे जून 2021 के ट्वेंटी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कुछ भी करेक्शन अगर आपको लगता है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा वैसे कोशिश करें कि सारे फैक्ट सही रखे जाए और अगर कंटेंट आपको पसंद आया यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना यूजफुल रहेगा कमेंट करिएगा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जून का वीडियो ये रहा जुलाई का भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा थैंक यू हैव अ नाइस डे